हम टीचर्स और गार्जियंस ही रेस्पॉन्सिबल थे इस प्रकार के बिहेवियर के, और इस पर हमने जरूरत की साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना शुरू किया। अब आपका पॉजिटिव साइकोलॉजिकल पेरेंटिंग का डेफिनेशन मैंने कहा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग द फिजिकल इमोशनल सोशल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम इन्फेंसी टू चाइल्डहुड, नॉट बाय फियर। मेन जो क्लॉज आता है नॉट बाय फियर। मैं क्लास में कई स्कूलों के मैं जाकर देखा हूं, मैथ्स जब बात आती है तो बच्चों को जाता है टीचर से ही बोलते हैं, गार्जियन से बोलते हैं, मैंने पर्सनल ऑब्जर्व किया, मेरे पास कुछ वीडियोस भी हैं, इसको तैयारी करो, मैथ्स में सबसे ज्यादा फेल होते हैं, मैथ्स नहीं पढ़ोगे तो बड़ा कर देगा, तमाम बात बात होती है। ये एक बच्चों के दिमाग में बेसिकली डर बैठा दिया गया है मैथ्स के संबंध में। हमने क्वेश्चन पैक कर दिया, उस 294 स्टूडेंट्स में से हमने देखा कि जो बच्चे एक टेस्ट में प्री टेस्ट किया और देखा कि कितने बच्चे का टॉप मार्क्स आता है और कितने बच्चे का लोअर मार्क्स आता है, हमने टॉप मार्क्स वाले स्टूडेंट्स बता दिया और लोअर मार्क्स वाले स्टूडेंट बता दिया, जो 20 बच्चे जो बचे वो लगभग 80 बच्चे बचे। हम इस 80 स्टूडेंट्स को लेकर के एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया और ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लगभग 12 दिन का। इसके बाद हमने एक क्वेश्चनार बनाया और उसके बारे में पॉजिटिव बातें की, उनके घर में गए, गार्जियंस को दिया और गार्जियंस को देने पर स्टूडेंट टीचर्स को भी इसको इन्वॉल्व किया और साथ में मैथ्स का डर को दूर करने के लिए हमने ईए जियो बोर्ड कराया जो दैट वाज प्रेजेंटेड उन्हीं बच्चों से मुंबई नेहरू साइंस सेंटर में इसको प्रेजेंट किया गया। इस जो ये बनाया है उसको नेहरू साइंस सेंटर में प्रेजेंट किया गया और ये जो था ये क्लास 9 क्लास 10 और क्लास 8 के स्टूडेंट्स, पूरी किताबें इसमें समा गई थी एक बोर्ड में, स्टार्टिंग फ्रॉम द मैथमेटिक अलजेब्रा से लेकर मैथ्सलेशन से लेकर जितने भी चीजें हैं वो ज्योमेट्री से लेकर इंक्लूडिंग मैथ्सलेशन इंक्लूडिंग स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग कंप्यूटिंग, ये पूरे एक बोर्ड में समा गई थी। और इसमें यह मेन चीज था साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना कि बच्चे डरे नहीं। इसके बाद चोरी करते हैं, ये कैसे काम कर रहा है, आप तो नहीं करते, ये
का अकाउंट फंड शुरू